22 फरवरी पाकिस्तान फिजाइया और पाकिस्तान के लिए कैसे तारीखी बना, इसी मुकम्मल मनसूबाबंदी और तारीख साज फैसलों की आगाही के लिए हम दावत देते हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ फॉर ऑपरेशंस एयर मार्शल हसीब पराचा साहब को। सब पूरी कौम जानना चाहती है कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, इसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई और किस अंदाज में की गई, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा था कि इंडिया ने 26 फरवरी को पाकिस्तान को सरप्राइज दिया। अगर इंडिया ने हमें सरप्राइज दिया था तो उस सरप्राइज का इतना मुंह तोड़ जवाब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे हुआ? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे उस ग्रुप ऑफ एयर स्टाफ को जो एज ए टीम इस सारे डिसीजन में, इस सारे मरहले में जिसमें हमने ये जवाब तैयार किया दुश्मन के लिए, पूरी तरह शामिल थे और एयर स्टाफ के हर मेंबर ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। और ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की क़यादत में जो हमारा एयर स्टाफ का ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को जाता है। दैट वी प्लान जो आपने सरप्राइज की बात की, 2018 के आखिर में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिससे साफ पता चल रहा था कि हिंदुस्तानी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए, एयरपार्क को हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया उनकी मिलिट्री स्टेटमेंट्स और उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमने, मैंने जैसे कहा कि 2018 के आखिर से अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी कि हम क्या करेंगे उनके बदले में। इट वॉज नेवर अ सरप्राइज। लीडिंग अप टू द 26 फरवरी, हमने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और अपनी पोस्टरिंग से उनको ये मैसेज किया था कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने हर तरह से मैसेजिंग भेजी थी। हमारी डिप्लोमेटिक कोर यहाँ पे है, इसी डिप्लोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे के थ्रू भी हमने मैसेज किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी चुप करके नहीं बैठेगी और इस बात का जवाब ज़रूर देगी। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज़ नज़र आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे और ऊपर इनके 20 जहाज़ जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 Su-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज़ फेंक के अपने वेपन्स चले गए, 8 जहाज़ जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कवे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फ़र्ज बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है उसको जंग के आग में ना धकेलें। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है, सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर बम फेंकें ताकि कोई इतना नुकसान ना हो
کہ جس الیکٹورل ریٹورک کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے. ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن. 26 کا انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ساری رات 26 کی انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ہم نے اپنا چوائس کا ٹائم چوز کیا. انڈین ایئر فورس کو بہت ہزیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے 20 جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف 4 بمب پھینک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگیٹ پہ نہیں گرتا. اسپیکس آف این ان پروفیشنل ایئر فورس. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگیٹ سے دور بمب پھینکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہے گی کہ ہم ان پروفیشنل ایئر فورس ہیں. اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی. ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بمب کی پوری, جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے, دنیا کو پتا ہو کہ پاکستان ایئر فورس از کیپیبل, دے ول ناٹ مس دیئر ٹارگیٹس. میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں. یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی, لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھ ہو کہ ہم اپنے ہدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں. جو انڈین اینالسٹس ہیں اگر یہ وہ بات سنیں, وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگیٹس مس ہوئے یا ان کی ایئر فورس نے ہمیں ٹارگیٹ مس کرنے پہ مجبور کیا. آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ وی ور فلی کیپیبل آف ہٹنگ آر ٹارگیٹس, بٹ جو پولیٹیکل ڈائریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی, جو اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے سینیٹی تھی, اونلی دیٹ واز اے ریزن وی انٹینشنلی ڈڈ ناٹ ڈسٹروائے دی ٹارگیٹ. دس واز آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ. انڈین ملٹری ٹارگیٹس انگیج ود پاکستان. جب ہمیں پتا چلا کہ 4 بمبس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے, پانچواں انڈیا کلیم کر رہا ہے, سو وی پلانڈ فار 6 بمبس ٹو بی ہٹ آن دیئر ٹارگیٹس. ہم نے 4 ٹارگیٹ لیے اور اس پہ 6 بمب گرائے. ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بمب گرانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو 4 ٹارگیٹ تھے, دے ور 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ان پونچھ اینڈ راجوڑی سیکٹر, پی او ایل ڈمپ اور فارورڈ سپورٹ ڈیپو تھا ایک نوشہرا سیکٹر میں, جو اس جگہ پہ آپ کو اسکوائرز میں نظر آ رہے ہیں. اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں گوگل ارتھ کے میپ کے اوپر, اینی ون ہو ہیز این انٹرنیٹ وہ ایگزیکٹلی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگیٹس اس جگہ پہ اب نظر آئیں گے. میں فوکس کروں گا نوشہرا سیکٹر کے ناریا فارورڈ سپورٹ ڈپو کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹ سے نشانہ بنایا. آئی ول زوم ان اینڈ اینی ون کین گو ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ ویریفائی that this is in the occupied territory by India. Aapko ye depot ki details nazar aayengi iske andar. Mangla dam bhi aapko left side pe nazar aaya. دیکھیے یہ وہ فارورڈ سپورٹ ڈیپو ہے جس میں ایمونیشن ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی ایکشن کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سویلینس کے خلاف کیا تھا. ہم نے ان کے ملٹری ٹارگیٹس کو انگیج کیا. ہم نے ملٹری ٹارگیٹس اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈین ملٹری تھی جنہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کیا تھا. یہ فلی لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس تھے ہمارے لیے, اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا. یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا ہدف ہونا تھا. ہم نے اپنے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس ہدف کی پوری تصویر بنائے, اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے کمپلیٹ, جس سے اس کا کنٹرول ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ امپیکٹ کرے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو. اس کو اب ہم کمپیئر کریں گے جو ایکچوئل ویپن کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹارگیٹ امیجری ہے,
ये तस्वीर एक्चुअल वेपन की तस्वीर है और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं. Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, pahadi ke andar uninhabited jagah pe, aur wahan pe impact ke waqt ye video khatam ho jayegi. Ye video humne thodi slow ki hai taki aapko nazar aa sake, aur isse aage main aapko normal speed pe wo video dikhaunga. And this is the impact on the Narya Forward Support Depot. ये वो तस्वीर थी जो पायलट को जहाज के अंदर नजर आ रही थी और इसी स्पीड से नजर आ रही थी. और ये हमारे सबूत उन एनालिस्ट्स और उस नैरेटिव की जरूर तर्दीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस किए हैं अपने टारगेट. हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने टारगेट अचीव किए. सर यहीं पे एक सवाल आता है कि वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया. तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून. नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है. एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज़ के लिए दिया, मुझे नहीं पता. लेकिन अगर उन्होंने जहाज गिराने पे दिया तो आज मैं आपको सच बता दूं उसकी कहानी कि अभिनंदन के जहाज का रैकेज है जो आपको नजर आ रहा है, उसकी टेल नंबर नजर आ रही है आपको. जब हमने इस जहाज के रैकेज की असल जगह पे तस्वीर ली तो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर बाकी सारे मिसाइल साइडों पे पड़े हुए थे. आप अगर देख सकें यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द बिखरे हुए थे. एक मिसाइल जहाज के साथ था जो उसके साथ जल गया. इस मिसाइल को जब हम देखते हैं क्लोजअप से तो ये उसका टेल सेक्शन है. जब तक ये लॉन्चर से ना निकले तो ये मिसाइल फायर नहीं होता. ये वो मिसाइल है और इसका ये टेल सेक्शन आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही इनके लॉन्चर के साथ लगा हुआ है. चार मिसाइल थे इस जहाज के ऊपर, दो इस तरह के थे जिनको R-73 कहा जाता है और दो R-77 मिसाइल्स थे. ये एक जहाज से टूट के गिर गया और दूसरा जहाज पर लगा हुआ. इसके बारे में इंडियन मीडिया हमेशा ये कहता है कि जहाज ये मिसाइल फायर हुआ और इसने एक जहाज को गिराया पाकिस्तान में. आप इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, ये वही मिसाइल का टेल सेक्शन है. जब तक ये फायर ना हो मिसाइल जहाज को नहीं छोड़ता. ये उसका सामने वाला हिस्सा है जो गिर गया था, R-73 लेफ्ट विंग और राइट विंग. और ये वो चारों मिसाइल हैं जो हमारे पास है. ये चारों मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं. कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस. वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था. सर एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी. इस पूरे ऑपरेशन में जहां हम आपके हौसले देखते हैं, पूरी कौम का हौसला, पूरी कौम पाक फिजाई के साथ खड़ी थी, पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फिजाई के जवानों के साथ थी, इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश जरूर थी एयर स्टाफ की भी. हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी हमेशा, जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे. अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे पर हम डेस्क के ऊपर थे. ये ख्वाहिश थी हमारी. थैंक यू. ख्वातीन हजरात,
आप सबकी भरपूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफा शुक्रिया अदा करें डीसीएस ऑपरेशंस का।